रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब को सूरह मुल्क 7 मरतबा पढ़ें, मगफिरत गुनाह के लिए अफजल है। रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब को सूरह वाकिया पढ़ें, इंशाअल्लाह रिज़क में बरकत रहेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स शब कदर में सूरह कदर 7 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे हर मुसीबत से निजात देता है। 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। जो जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा से कबल सूरह कदर 3 मरतबा पढ़ लेता है, उसे उस दिन की नमाजों की तादाद के बराबर नेकियां अता की जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली, शब कदर की क्या फजीलत है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए कुछ रातें ऐसी रखी हैं जिन रातों में अगर वो एक सजदा करेंगे तो उन्हें हजारों सजदों का सवाब मिलेगा, एक नेकी करेंगे तो उन्हें हजारों नेकियों का सवाब मिलेगा, और उन रातों में से शब कदर की रात सबसे ज्यादा फजीलत रखती है, क्योंकि अल्लाह इस रात जमीन पे मौजूद पानी को एक लम्हे के लिए जामे कोसर बना देता है, और इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों को इस काम पे लगा देता है कि आज इंसान की मांगी हुई दुआ कोई रद्द ना हो। तो उस शख्स ने कहा, या अली, मैं बहुत गुनहगार हूँ, कदम कदम पे सिर्फ नाकामी और चारों तरफ से मुफलिसी ने गहरे में रखा है। या अली, मुझे इस रात का कोई ऐसा अमल बता दें जिससे मेरी हर दुआ अल्लाह पूरी कर दे और मैं कभी नाकाम ना रहूं, मेरी दुनिया व आखरत कामयाबी व कामरानी से भर जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, शब कदर की रात अगर कोई इंसान इशा और फजर के दरमियान 207 मरतबा सूरह कदर पढ़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर इस रात और इस रात में नाजिल होने वाले कुरान और अल्लाह के रसूल का सदका दे के जो भी दुआ मांगेगा वो कभी रद्द नहीं होगी, चाहे वो सफाओ मरवा जितना सोना ही क्यों ना हो। सफाओ मरवा जितना सोना ही क्यों ना हो। सफाओ मरवा जितना सोना ही क्यों ना हो।